Hello sir, good afternoon. Sorry. Hello sir, good evening. My name is Azeem and you know आपसे मैं जुड़ा कब? Last March में, not last March, 2020 के March में मैं आपसे जुड़ा था और मैंने आपका एक ऐड देखा था कि Facebook पे और वो जो DCA का ऐड चल रहा था आपका, मैं वो अटेंड किया और उसके बाद से मैं आपसे कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ हूँ. DCA का कोर्स मैंने किया, उसके बाद मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया था अपने खुद का, स्पोकन इंग्लिश 5 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा. फिर भी जस्ट मैं किसी भी चीज़ से जब मेरा कोई ऐसा लॉस होता है तो मैं हमेशा उस चीज़ से सर आपके कहने पे ये बातें मैं फॉलो करने लगा हूँ अब, कि मैं कभी भी चीज़ों से हारता नहीं हूँ बल्कि सीखता हूँ या तो जीतता हूँ. ये दो सेंस होते हैं मेरे. उसके बाद से हाँ, अभी जो मैंने कोर्स लॉन्च किया था उसमें बहुत ज़्यादा चला नहीं, तो मुझे लगा हाँ कुछ मेरे मिस्टेक्स थे, हो सकते हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स को या ऑडियंस को मेरी चीज़ें पसंद नहीं आई. जो मेरी होप थी उस होप में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया. इट्स ओके, बट आई एम ट्राइंग फॉर द न्यू थिंग्स. सर मैं पिछले थिंकिंग रिच शो को पिछले 12 दिन से कंटिन्यूसली देख रहा हूँ और एक दिन भी एबसेंट नहीं किया मैंने, और बिल्कुल 7:22 पे या 7:20 पे, कभी 7:15 पे लॉग इन हो जाता हूँ मैं, और कहीं भी किसी भी काम में बिजी रहता हूँ. यहाँ तक कि एक माइंड में ना एक अलार्म सेट हो गया है कि अगर मैं सोया भी रहता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली 7 o'clock तक मेरी आंखें खुल जाती है. कई बार मैं थक जाता हूँ क्लासेस लेते लेते तो मैं फिर सो जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं 7 बजते बजते खुद ही मेरी आंखें खुल जाती है. यस, आई हैव टू अटेंड द शो ऑफ BSR सर, दैट इज थिंकिंग रिच शो. और कल जो मैंने आपका पब्लिक स्पीकिंग का वेबिनार देखा वो मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था. मैं बहुत ज़्यादा चाहता था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करूं, लेकिन अंदर से एक हेजिटेशन होती थी, अंदर से एक अजब सी फ्रस्ट्रेशन होता था, डर लगता था कि कैसे मैं, यहाँ तक कि कैमरे के सामने भी बोलने में मुझे अभी भी डर लगता है. मैं यूट्यूब चैनल भी बनाया था, आपकी जो थिंकिंग रिच शो चल रहे थे उसका मैं बिल्कुल आपकी ही स्टोरी को मैं अपने वीडियो में डालता था, अपने तरीके से मैं अपने वीडियो में डालता था, बट फिर भी मैं 17-18 वीडियोज़ बना के उसके बाद हिम्मत नहीं हो पा रही थी. कैमरे के सामने जैसे आता था बिल्कुल स्पीचलेस जाता था, बिल्कुल मैं बोल ही नहीं पाता था, क्या बोलना है सब भूल जाता था, आपकी स्टोरी बताई भी सब कुछ भूल जाता था. लेकिन कल जो मैंने देखा आपके पब्लिक स्पीकिंग का वेबिनार, उसे देखकर मुझे लगा कि यस आई हैव टू प्रैक्टिस इट. एट अ टाइम पे तो नहीं होगा, बट हाँ कुछ समय के बाद जरूर हो जाएगा, बट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर. मैं कई बार अंदर से फील करता हूं सर कि ना मैं डिसेबल्ड हूं, जब दूसरे बोलते हैं तब फील करता हूँ, लेकिन अब अंदर से जब आपके ये थिंकिंग रिच शो देख रहा हूँ और वो भी पिछले 12 दिनों से जो कंटिन्यूसली लाइव शो देख रहा हूँ सर, इससे अंदर से एक अजीब सी जो टिस मारने लगी है ना.